बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज 7.3 पंजाब क्लास 6 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक फॉर रुपीज 70 एट अ गेन ऑफ 40%। फाइंड द प्रॉफिट। इन इस क्वेश्चन में हमें सेल प्राइस दिया हुआ है। सेल प्राइस इज रुपीज 70 और जब 70 रुपीज पे इसने सेल किया तो इसने 40% गेन किया। 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इसने गेन कर लिया। तो आप लोगों ने प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड करना है। अच्छा, प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस चाहिए। जब हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा तो खुद ही पता लग जाएगा कि प्रॉफिट कितना किया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर हमें पता लग जाए तो हमें खुद ही पता लग जाएगा कि इसने प्रॉफिट कितना किया। ठीक है जनाब। तो ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपने सबसे पहले लिखना है सेल प्राइस इज रुपीज 70 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 40%। ओके, प्रॉफिट इज 40%। इसी प्रॉफिट को हमने रुपीज में बताना है कि कितना प्रॉफिट अमाउंट है, यानी प्रॉफिट अमाउंट हमें फाइंड करना है। प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट अमाउंट आएगा। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। हम सपोज कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है। लेट कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो और उस पर 40% प्रॉफिट लग जाए तो फिर सेल प्राइस कितनी होगी? देन सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 40, यानी 40% प्रॉफिट किया। तो अगर 100 कॉस्ट प्राइस हो तो इसका मतलब है सेल प्राइस है 140 रुपीज। अब हम सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को एक्स वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, यानी रेशियो मेथड या प्रोपोर्शन मेथड भी आप कह सकते हैं। यहां आप लिख ले कॉस्ट प्राइस और यहां आप लिख ले सेल प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज हो तो सेल प्राइस इसकी आएगी 140 रुपीज। अब अगर सेल प्राइस रुपीज 70 हो तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? एक्स होगा। तो एक्स को फाइंड करने के लिए आप डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं, इवन आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड मैंने आप लोगों को सिखाया है वो यही है कि आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मेथड से किया करें। सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो सेल प्राइस भी ज्यादा होगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला एरो भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 140। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 100 इधर डिवाइड में है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 70 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब हम अगर इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ये कुछ यू होगा। एक्स इज इक्वल टू, आप कटिंग कर ले, 70 के टेबल में 140 आता है ना, 71 एंड 72 140, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय 2। 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50। एक्स को हमने क्या सपोज किया था? एक्स को तो हमने कॉस्ट प्राइस सपोज किया था, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस आ गया 50 रुपीज। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 50। कॉस्ट प्राइस आ गया 50 रुपीज। अब अगर सेल प्राइस 70 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज है तो प्रॉफिट तो आपके सामने आ गया कि 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोग प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें। तो जब हम 70 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा 20 रुपीज। प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 20 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। दैट इज द फाइनल आंसर, यानी प्रॉफिट अमाउंट हमारे पास आ गया। ठीक है जनाब। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का सॉल्व हो गया। 20 रुपीज इज द रिक्वायर्ड प्रॉफिट। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है लेकिन पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है और इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट में हमने 100 के साथ 40 प्लस किया और लॉस में हम 100 में से 20 माइनस करेंगे। ठीक है,
A shopkeeper sold a toy for rupees 96 at a loss of 20%. शॉपकीपर ने सोल्ड किया, सोल्ड का मतलब ये सेल प्राइस है, 96 रुपीज सेल प्राइस है, लेकिन अभी हमने लॉस किया, 20% लॉस किया, ठीक है। तो आप लिख ले सेल प्राइस इज रुपीज 96, जिसमें लॉस किया इसने 20%। अब आप लोग लॉस का अमाउंट फाइंड करें, तो लॉस का अमाउंट तो हमें तब मिलेगा जब हमें कॉस्ट प्राइस का पता हो, तो इसमें भी हम पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू को देख लीजिएगा। सेल प्राइस इज रुपीज 96, जबकि लॉस परसेंट है 20%, ओके। तो यू हैव टू फाइंड द लॉस अमाउंट एंड ऑल्सो द कॉस्ट प्राइस। पहले कॉस्ट प्राइस आएगा, फिर लॉस आएगा, ठीक है। सो आप सपोज करें, लेट कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100, लेट कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100, देन सेल प्राइस वुड बी 100 माइनस 20, यानी 80 रुपीज का आ गया सेल प्राइस, ओके हो गया। अब आप यहां लिख ले बेटा कॉस्ट प्राइस और उसके सामने लिख ले सेल प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो तो इसका मतलब है कि ये 80 रुपीज में सेल कर रहा है, 20% लॉस कर रहा है। अगर सेल प्राइस हो 96 तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, वो होगी एक्स, ओके। अब आप उसी तरह कर ले बेटा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। सो एक्स डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 80। 100 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 96 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। सो एक्स इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं डायरेक्ट 20 के टेबल से काट लेता हूं, ठीक है। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 80, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100। अब आपने 96 को 4 से डिवाइड करना है, मुझे पता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 टू जार 8, 9 माइनस 8 1 आ गया, आप 6 को लेकर आए, और 4 4 जार 16, यानी 24 आ गया, ठीक है। 4 1 जार 4, 4 24 जार 96। अब आप 24 को 5 से क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जार 20, 2 कैरी, 5 2 जार 10, 10 प्लस 2 12, यानी 120 रुपीज आ गया कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 120। अब अगर इसने 120 की चीज खरीदी थी और इसने 96 रुपीज की सेल कर दी, तो अब आप लोग मुझे बता रहे कि इसने लॉस कितना किया। जी अब्दुल रहमान, अमीन बेग, अब्दुल रहीम, अब्दुल अहद, कितना लॉस किया बेटा इसने? 24 रुपीज। हाँ, लॉस के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस जो है वो माइनस करेंगे, तो 120 माइनस 96, इसका मतलब है 24 रुपीज इसने लॉस किया, 24 रुपीज इसने लॉस कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू को एक दफा दोबारा देख लीजिएगा। अ शॉपकीपर सोल्ड अ टॉय फॉर रुपीज 96 एट अ लॉस ऑफ 20%, यानी 96 की इसने सेल कर दी तो इसने 20% लॉस किया। तो आपने लॉस का अमाउंट फाइंड करना है, तो लॉस अमाउंट फाइंड करने के लिए पहले हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेल प्राइस अगर रुपीज 96 है और 20% इसने लॉस किया, तो कैसे लॉस फाइंड करेंगे। आपने कॉस्ट प्राइस को सपोज करना है कि 100 है, मैंने 100 क्यों लिया दोनों क्वेश्चन में, वो इसलिए लिया क्योंकि परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होता है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो तो 20 उसमें से माइनस करें, तो इसका मतलब है सेल प्राइस 80 रुपीज है। तो कॉस्ट प्राइस के नीचे 100 लिखे तो सेल प्राइस के नीचे 80 लिख लें। तो अगर मैं इसी को कंपेयर करूंगा 96 के लिहाज से, कि यार अगर 96 सेल प्राइस हो तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 96 अपॉन 80, एंड 100 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा जनाब 120 रुपीज। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज, यानी 120 रुपए की चीज खरीदी
और 96 रुपीज में बेच दी तो इसने 24 रुपीज का लॉस कर लिया, 24 रुपीज का लॉस कर लिया। ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3। चांद बॉट अ शर्ट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 295, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। चांद ने 250 रुपीज की शर्ट खरीदी और 295 की सेल कर दी। बॉट का मतलब है खरीदना, तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250 और सेल प्राइस है रुपीज 295। प्रॉफिट परसेंट मालूम करें, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट आप लोगों ने फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, आपको पहले प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करना है फिर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250 एंड सेल प्राइस इज रुपीज 295। पहले प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करें, तो प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड करने के लिए हम हमेशा सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस है बेटा 295 और उसमें से आप 250 को माइनस कर दे तो 5, 9 माइनस 5, 4, इसका मतलब है प्रॉफिट आ गया आपके पास 45 रुपीज, प्रॉफिट आ गया आपके पास रुपीज 45। अब आप लोग प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का भी आप लोगों को मैं आज फार्मूला सिखा देता हूं कि आपने न्यूमिरेटर में प्रॉफिट लिखना है और डिनोमिनेटर में आपने कॉस्ट प्राइस लिखना है और उसको आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये क्वेश्चन में हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और सेल प्राइस भी गिवन है। ठीक है, तो प्रॉफिट अमाउंट है हमारे पास 45, नीचे कॉस्ट प्राइस। अच्छा, याद रख लेना कि प्रॉफिट परसेंट जब भी फाइंड करना हो या लॉस परसेंट, तो आपने डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस लिखना है, सेल प्राइस नहीं लिखना, क्योंकि आपका प्रॉफिट हमेशा उन पैसों पे होता है जो आपने इन्वेस्ट किए, जो आपने चीज खरीदी जितने पैसों की उस पे आपने प्रॉफिट करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है रुपीज 250 और इसको आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर आएगा 45, नीचे 250। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन कर लूं, तो कैलकुलेशन के लिए मैं एक स्टेप दोबारा लिख देता हूं ताकि कटिंग कर लूं तो आपको पिछला जो स्टेप है वो विजिबल हो कि उसमें क्या हुआ था। ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया, फाइव के टेबल से कैंसिल करें तो 9 5s are 45 एंड 5 5s are 25, फिर 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट आ गया 18, यानी 18 इज द प्रॉफिट परसेंट, 18% इसने प्रॉफिट किया, 18% इसने क्या किया, प्रॉफिट किया। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इफ यू आर गिवन द कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस एंड यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड प्रॉफिट अमाउंट जो कि कैलकुलेट होगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस माइनस किया तो आपको मिल गया रुपीज 45, 295 सेल प्राइस है, 250 कॉस्ट प्राइस है। जब मैंने 295 में से 250 माइनस किया तो मुझे मिल गया 45 रुपीज। अब मैंने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, उसके लिए मैं प्रॉफिट को न्यूमिरेटर में लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस को डिनोमिनेटर में लिखूंगा और 100% से मल्टीप्लाई करूंगा। 100% से क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ 100, आउट ऑफ 100 को परसेंटेज कहते हैं, तो 18% आपने प्रॉफिट किया, यानी हर 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस पे आप 18 रुपए कमा रहे, हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप 18 रुपए कमा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। वलीद बॉट 1 dozen पेन्स फॉर रुपीज 144 एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर रुपीज 11, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, लेकिन उसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड किया,
अब हम इसमें लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लॉस फाइंड करना है कि लॉस कितना हुआ, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स भी है। इसमें लिखा है ना वलीद बॉट 1 डजन पेन्स, इसका मतलब है 12 पेन्स है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस तो उन्होंने सीधा सीधा दे दिया जी ₹144, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड ईच ऑफ देम फॉर ₹11, यानी एक की सेल प्राइस 11 है। तो आप लिख ले भाई सेल प्राइस ऑफ वन पेन, एक पेन की प्राइस है ₹11। तो एक दर्जन की कितनी होगी, सेल प्राइस ऑफ 12 पेन्स, एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। तो आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आ गया वो होगा सेल प्राइस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लॉस फाइंड करेंगे कि लॉस कितना हुआ। सो लेट्स टेक ए स्टार्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, 1 डजन का मतलब है 12 पेन्स, दैट इज ₹144। अब आप लिख ले भाई सेल प्राइस ऑफ 12 पेन्स, या पहले वन पेन का लिख के, एक पेन की सेल प्राइस है ₹11, यानी अगर एक पेन ₹11 का बिक रहा है तो दर्जन कितने का बिकेगा, तो हम दर्जन के लिए 12 लिखेंगे, यानी 12 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 11 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 वन आर 12, वन कैरी, 12 वन आर 12 और 1 13, यानी ₹132 जो है वो आ गया सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 144 और सेल प्राइस है 132। अच्छा, अगर वो हमें न भी बताते कि लॉस है तब भी हमें पता लग जाता कि लॉस ही हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस में फिर आप कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे। अच्छा, अगर ये आपको याद नहीं होता ना कि किस में से किसको माइनस करना है, तो देखना है बड़े वाला कौन सा है। हमेशा बड़े वाले में से छोटा माइनस करते हैं। 144 बड़ा अमाउंट है 132 से, इसका मतलब है कि 144 में से 132 माइनस होगा। जो बड़ा होगा उसी में से छोटे को माइनस करना है। तो आपने 144 में से 132 को माइनस करना है, तो इससे आ जाएगा बेटा 144 माइनस 132, तो ₹12। इसका मतलब है कि ₹12 का लॉस हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब लॉस परसेंट आपने फाइंड करना है, तो फिर लॉस परसेंट के लिए आपने न्यूमरेटर में लॉस लिखना है, डिनोमिनेटर में आपने कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस, और आपने 100% से मल्टीप्लाई करना है। अब लॉस अमाउंट है 12, कॉस्ट प्राइस है 144, और 100% से आपने किया मल्टीप्लाई, 12 वन जार 12 12 12 जार 144। मैथमेटिक्स को समझने के लिए आप लोगों को 12 से 19 तक के टेबल जुबानी याद होने चाहिए। अगर आपको 12 से 19 तक के टेबल्स याद हो तो आप लोग इजीली मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको टेबल्स याद ना हो तो फिर आपको टफ टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के क्लास में आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। 12 8 96, 100 माइनस 96 4 आ गया, एक जीरो को लेकर आए। 12 3 36, फिर 4 आ गया, फिर एक और जीरो को लेकर आए, और फिर 12 3 36, बस और आगे नहीं करना, ठीक है। आगे ये कंटिन्यू होगा लेकिन आपने नहीं करना, आपने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है। तो ये आ जाएगा बेटा 8.33%, और इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया, एंड वेरी इजी क्वेश्चन। बस इस चीज को आपने जहन में रखना है कि जब उन्होंने बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस तो उसने पूरी दर्जन की दे दी, लेकिन सेल प्राइस उसने एक पेन की दे दी, तो आपको सेल प्राइस भी पूरे दर्जन का निकालना है। तो यही इसमें एक छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5। सलीम बॉट 90 oranges at the rate of 3 oranges for ₹10. Okay, ये point याद रख लेना।
टोटल 90 ओरेंजेस खरीदे। टोटल कितने ओरेंजेस खरीदे बेटा? 90। और रेट क्या है? रेट ये कर रहे हैं बेटा 3 ओरेंजेस फॉर रुपीज 10। 3 ओरेंजेस फॉर रुपीज 10, 10 रुपीज के 3 ओरेंजेस खरीदे। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 2 ओरेंजेस फॉर रुपीज 9। और सेल प्राइस का जो रेट इन्होंने दिया है वो ये कर रहे हैं कि 2 ओरेंजेस फॉर रुपीज 9। ओके, 2 ओरेंजेस फॉर रुपीज 9। इस पे कंप्लीट यूनिटरी मेथड यूज करूंगा तो इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, पहले ये फाइंड करना है कि प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, तो वो तो हमें पता चल जाएगा जब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस सामने आ जाएगा, और उसके बाद उस लॉस या प्रॉफिट का परसेंटेज भी निकालना है। ठीक हो गया? सो लेट्स टेक ए स्टार्ट, व्हाइट बोर्ड पे करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, आप सबसे पहले लिख ले कि भाई टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? 90 है, याद रख लेना। ठीक है, टोटल ऑरेंजेस 90 है। अब आप लिख ले कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ओरेंजेस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ओरेंजेस जो है वो है ₹10। मैंने कहा ना यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड से आप करें। यूनिटरी मेथड में पहले आपने एक का प्राइस फाइंड करना होता है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ओरेंज। एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा? तो आपने ये 3 उधर जाके डिवाइड करना है। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी एक का आ गया 10/3। अब आप 90 का फाइंड करें, जब आप 90 का फाइंड करेंगे तो 90 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेथड मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूं। तो 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये आ जाएगा बेटा 3 1 3 3 3 9, यानी आ गया ₹300। तो कॉस्ट प्राइस तो आपके सामने आ गया ₹300, कॉस्ट प्राइस आ गया ₹300। ओके, इसको आप इस तरह अंडरलाइन कर दे। अब हम सेल प्राइस की तरफ जाने पड़ेंगे। उन्होंने सेल प्राइस के बारे में बोला है कि सेल प्राइस ऑफ 2 ओरेंजेस, 2 ओरेंजेस की सेल प्राइस है ₹9। आप पहले सेल प्राइस एक ऑरेंज का फाइंड करें, सेल प्राइस ऑफ 1 ओरेंज इज इक्वल टू 9 जाके डिवाइड, सॉरी 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 9 डिवाइडेड बाय 2। अब आप सेल प्राइस ऑफ 90 ओरेंजेस मालूम करें, तो 90 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 पहले जाके डिवाइड और फिर 90 मल्टीप्लाई, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90। 2 के टेबल में 90 आता है ना, 245 आर 90। अब 9 को 45 से मल्टीप्लाई करें, 9 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे आ जाएगा 9 5 आर 45, 4 कैरी, 4 9 36, 36 प्लस 4 40, यानी 405 आ गया। ठीक है, तो सेल प्राइस हमारे पास आ गया 405 रुपीज आ गया सेल प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस 300 है, सेल प्राइस 405 है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है? प्रॉफिट सर, और कितना प्रॉफिट कर रहा है बेटा? 105 105। के लिए हम सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो 405 में से आपने 300 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 105, यानी 105 रुपीज। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है जनाब, अब आप लोगों ने इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए हम किसको न्यूमरेटर में लिखेंगे? 105 के न्यूमरेटर में लिखेंगे, और कॉस्ट प्राइस को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 100 को 300 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा ना, 100 या ये 2 0 2 0 से कैंसिल हो गए सिंपल। तो 105 को आपने 3 से डिवाइड करना है। अब जगह कम है तो मैं डिवीजन कर लेता, लेकिन मैं भी कटिंग कर लेता हूँ। 3 3 9 और 3 5 15, इसका मतलब है 35%। ये क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है। और इस तरह आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10 तक भी समझाऊं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।
और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस टाइम से मिले। थैंक यू सो मच।